फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शुभा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक जानकारी, और आपको ओरल, डेंटल, त्वचा और बालों से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आपको उनके सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं तो आप चैनल पर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं ओरल, डेंटल, स्किन और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर कब लगाने चाहिए, क्या हर मौसम में लगा सकते हैं, गर्मी आने पर नहीं लगाना चाहिए, बारिश आने पर नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ ठंड में लगाना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉइस्चराइजर हम लगा सकते हैं, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर क्या लगाना चाहिए। ये मैं डेली लगाती हूँ। सबसे पहला तो आपको यह बता दूं कि बॉडी में मॉइस्चराइजर जो है नहाने के तुरंत बाद ही हमें गीली स्किन में लगा लेना चाहिए। नहाने के एक दो घंटे बाद जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो उसका उतना बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि मॉइस्चराइजर आपको गीली त्वचा में ही लगाना चाहिए। तो चलिए आज बताती हूँ सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर जो मैं घर पर ही बनाती हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीका है, इसे आप डेली लगा सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से यह बन जाता है। देखिए, इसमें है सिर्फ नारियल का तेल और कपूर। कपूर में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, और नारियल जो है हमारी त्वचा को नमी देता है। कपूर लगाने से हमारी त्वचा में खुजली और इरिटेशन नहीं होती है, और नारियल का तेल तो बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। नहाने के बाद सिर्फ आप यह थोड़ा सा कपूर और नारियल का तेल जो बनाया हुआ मिक्स करके अपनी पूरी बॉडी पर लगा लें, तो ऐसा करने से आपकी स्किन सॉफ्ट होगी और आपकी त्वचा में खुजली और इरिटेशन नहीं होगी। ऐसा मैं डेली नहाने के बाद करती हूँ, आप भी ऐसा करें, और हो सके तो जितनी बार भी आप अपने हैंड वॉश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा यह मॉइस्चराइजर लगाते रहें, तो आपके हाथ, आपकी पूरी बॉडी सॉफ्ट रहने वाली है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, घर पर आप आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में आप इसे लगाएं, ऐसा नहीं है कि बारिश के दिनों में हमारी त्वचा सॉफ्ट होती है तो हमें मॉइस्चराइजर नहीं लगाने हैं, बिल्कुल आप लगाइए। और खुजली, इरिटेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अभी होती है बारिश के दिनों में, तो आप ये कपूर वाला मिक्स करके नारियल तेल पूरी बॉडी पे लगाइए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ सारे मौसम में, और इसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप भी यह मॉइस्चराइज़र अपनी बॉडी पर लगाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।